पिछले दो कालखंड अगर देख लिए जाएं विधानसभा के जो हमारे यहाँ के सदस्य रहे हैं, तो मैं दोनों कालखंडों पर हमारा ये एक पंचवर्षीय कालखंड ये भारी है और लगभग 350 के आसपास सड़कें हमने पीडब्ल्यूडी के द्वारा, आरईएस के द्वारा, डूडा के द्वारा, अपनी विधायक निधि के द्वारा, पूर्वांचल क्षेत्र विकास निधि के द्वारा अनेक योजनाओं के अंतर्गत ऐसी सड़कें बनाई हैं जो शायद आजादी के 70 साल पहले ही बन जानी चाहिए थी। 70 साल के आजादी के उनको सड़क से जुड़ करके उनको भी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए थी। ऐसी भी बहुत सी सड़कों का हमने निर्माण किया है। फतेहपुर के चारों तरफ हमने चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया है। एक स्टेट हाईवे हमारे यहाँ हुआ है, एक नेशनल हाईवे हमारे यहाँ हुआ है। फतेहपुर से लेकर के भगौरी तरफ जाने वाला मार्ग बहुत खराब था, उस मार्ग का चौड़ीकरण होकर के नेशनल हाईवे ने उसको अपने में स्वीकृत किया है। आगे आने वाले समय में हम फतेहपुर का बाईपास और फतेहपुर के रेलवे ओवरब्रिज को भी बनवाने वाले हैं, वह नेशनल हाईवे के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तमाम सड़कों का जाल हमने यहाँ बिछाने का काम किया है। ये कहते हैं कि 350 सड़कें उन्होंने बनवाई है, 350 सड़कें, मैं जब विधायक था और जब मैं मंत्री था तो मैंने 71 सड़कें बनवाई थी और इतनी बुरी हालत थी सड़कों की कि हमसे ये बताया गया कि दुल्हने तक नहीं पहुंच पाती हैं घर अपने, तो मैंने सड़कें बनवाई। अब मैं उसके अधीन को चुनाव जीत गए हैं ये, तो ये बहरहाल इनको बनवाना चाहिए। सड़क के नाम पे 71 सड़कें मेरी बनी पड़ी हुई हैं, शायद 5-6 सड़कें ऐसी हैं जो मैं बनवाना चाहता था और किसी वजह से नहीं बन पाई। उसमें 2-3 सड़कें ऐसी हैं जिनका कि अब मैं ये देख रहा हूं कि उन सड़कों जिनको कि मैंने पैसा दे दिया था वो अब उस पर गिट्टी विट्टी गिर रही है। खैर 2-3 सड़कें ऐसी हैं, विधायक जी ने कोई सड़क नहीं बनवाई है, इसको मैं क्लेम करता हूं और मैं उनकी इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा हूं कि उन्होंने कोई सड़क बनवाई। अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में हमने सौभाग्य योजना के बिजली के कनेक्शन भी लोगों को दे करके उन करीब के घर में भी एक बिजली का बल्ब जल सके इसकी व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। और इसके साथ ही जहां जिन गांवों में बिजली की नई लाइनें परिवर्तित होनी थी उन लाइनों को भी परिवर्तित करने का हमने काम किया है। यद्यपि बिजली के क्षेत्र में इतना बड़ा काम अभी होना है, तमाम लाइनों के परिवर्तन के लिए, तमाम ट्रांसफार्मर्स के अपग्रेडेशन के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, निकट भविष्य में यह काम भी हम पूरा करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि वो गलत कह रहे हैं, 24 घंटे बिल्कुल नहीं आती, 10-10 घंटे नहीं आती। हम तो क्षेत्र में रहते हैं, हमको लोग बताते रहते हैं कि साहब बहुत परेशानी है। अभी कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था अपने गांव, तो वो साहब उन्होंने जनरेटर लगाया हुआ था, तो हमने कहा भाई इतनी आवाज़ में जनरेटर में हम कुछ कम समझ नहीं पाएंगे, इसको बंद कर दो। तो बिजली वहाँ नहीं, उन्होंने बताया साहब 10-10 दो दिन नहीं आती है और 10-10 घंटे नहीं आती है। अब वो बताते हैं कि उसको सुधार किया, तो कोई सुधार उन्होंने नहीं किया है। हाँ, मैं जब मंत्री हुआ तो उस जमाने में बिजली आती थी फैजाबाद से, तो इतना लंबा सफर करके आती थी और आए दिन ब्रेकडाउन हुआ करता था क्योंकि तार वार टूट जाया करते थे। मुझे बिजली वालों ने बताया कि अगर लखनऊ से आप किसी तरह करा पाए तो इसकी पोजीशन ठीक हो जाएगी। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, जंगल से होके आनी थी, तो मैंने बहरहाल हेड मंत्री की हैसियत से किया था, तो वो लखनऊ से आना शुरू हो गई और लखनऊ से जब से आई है तब से कोई ना ब्रेकडाउन होता है और वोल्टेज उसका दुरुस्त रहता है। ये कंट्रीब्यूशन हमारी सरकार ने कराया था, आज की सरकार में कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था तो पिछले 2 साल भले ही कोरोना के रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश का कायाकल्प हुआ और कायाकल्प के बाद हमने एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया है। विद्यार्थियों को ठीक तरह से राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ जागरूक करने की भी कोशिश हमारी उन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से रही है और इसलिए शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यार्थियों के लिए जन सुविधाएँ उपलब्ध हों उसकी दिशा में भी हमने कोशिश की है। विधायकों ने जो अच्छे काम किए हैं उन अच्छे कामों की तुलना पिछले किए गए कामों से जरूर होनी चाहिए,
अभी ये हो सकता है कि जनता को ऐसा महसूस होता हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अभी और अधिक गति के साथ करने की आवश्यकता है, इससे मैं सहमत हो सकता हूं। लेकिन पीछे अगर लोगों ने ये सब अच्छे काम किए होते तो शायद आज हमको इतनी माथापच्ची करके और फिर नए नए कामों के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसीलिए हम सरकार के उस भाव के साथ, हमारी सोच ईमानदार है और हमारा काम दमदार है, इस भाव के साथ हम 4.5 वर्ष तक जनता की सेवा की। अरे भाई, वो तो हर चीज को अपने बताते हैं क्या ये कर दिया वो कर दिया। हकीकत ये कि शिक्षा के मामले में कोई तरक्की हुई नहीं है। टीचर स्कूल जो है, एक तो देखिए पहली बात तो ये कोरोना की वजह से बहुत दिनों तक तो स्कूलें बंद रहे, अब जो खुले हैं तो टीचर आता नहीं है, बच्चे चले जाते हैं, टीचर खुद दूसरे को एम्प्लॉय करके 5-6 हज़ार रुपया महीना पे किसी लड़के को भेज देता है, वो उनको लड़कों को अपने सबक सिखाया करता है, खुद टीचर साहब जो हैं जो कि 40,000-45,000 रुपया ड्रा कर रहे हैं वो नहीं आते। तो कोई किसी किस्म का कुछ भी मैं स्कूल का मैनेजर हूँ, मुझे ये मालूम है, मैं तो 3-3 स्कूल चलते हैं मेरे, कि क्या प्रॉब्लम है साहब स्कूल वालों को, क्या प्रॉब्लम पड़ रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कोई काम नहीं हुआ है क्या नाम है शिक्षा के मामले में। अब आइए साहब, शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, मैंने अपने, क्योंकि मैं टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर था तो मैंने अपने अपने क्षेत्र में एक 16 करोड़ रुपए का एक टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन खोला था लड़कियों के लिए। और उसके पीछे मेरा फलसफा ये था कि लड़कियां जो है वो हाई स्कूल पास करने के बाद इनको इंटर के लिए या तो बारामकी जाना पड़ता है या घर से दूर जाना पड़ता है, तो वो जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इन लड़कियों को नहीं भेजना चाहते, तो घर में बैठा लेते हैं, शादी कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। इनके लिए ये इंस्टीट्यूट मैंने खोला था। वो इंस्टीट्यूट तकरीबन 80% बन गया था, माना बिल्डिंग खड़ी है, पूरे सब कुछ है, 15% का काम बाकी रह गया कि मेरी सरकार गिर गई। और आज तक वो 15% का काम या 20% का काम जो है वो ये सरकार नहीं करा पाई। पशु कल्याण केंद्र फतेहपुर के निकट लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। वह कृषि कल्याण केंद्र एक सब प्रकार की किसानों के लिए सुविधाजनक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किसानों के बीच में ला करके किसानों को उनका लाभ कैसे मिले, इसकी कोशिश के लिए किसान कल्याण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पिछले 4.5 वर्षों में अनेक किसान मेलों का आयोजन करके किसानों को सुविधाएं देने का काम किया है, किसानों को जानकारी देने का काम किया है, किसानों को कौन सी चीज़ें हम और दे सकते हैं इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को बुला करके उनके बीच में अपनी बात रखने के लिए कहा है। वो भी जनता के बीच में जाते हैं, किसान पाठशाला के रूप में, छोटे छोटे किसान सम्मेलनों के रूप में हम किसान को जागरूक करने का, और हमारे क्षेत्र का किसान आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो इसके लिए हमने आधुनिक खेती की तरफ बढ़ करके अपने कदम बढ़ाने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी काम किया है। हमारी कोशिश ये है कि किसान ठीक तरह से अपने को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हमारी भरपूर कोशिश चल रही है। किसानों के लिए बात करते हुए तो उनको थोड़ी सी लज्जा भी आनी चाहिए कि जो हालत आजकल किसानों की है या जिस तरह का इनकी सरकार कांग्रेस किसानों पर जुल्म कर रही है वो सब जानते हैं, उसके लिए कोई बहस की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या बनवाया है मैं नहीं जानता हूँ, कोई खबर मेरे पास नहीं है कि किसानों के लिए कोई केंद्र बना है कोई, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। बना होगा तो बना होगा, अगर वो कह रहे हैं तो चलिए मान लीजिए।